जिन शासन की सदाकाल जय विजय हो। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। मेरे सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब की सदाकाल जय विजय हो। मेरे साथी परिवार तथा जितने भी जूम सिस्टम पर यूट्यूब पर मेरे जिनोपासक श्रावक और श्राविकाएं मौजूद हैं, आप सभी का पुनः इस वर्चुअल प्रवचन सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर मिले हैं हम दोबारा इस पुनः मिलन की। आपको बधाई भी देता हूं और अपने शुभ कर्मों की अनुमोदना करता हूं कि एक बार हम फिर मिले हैं इस वर्चुअल सिस्टम पर, जहां हम दिल से मिलते हैं और दिल से बोलते हैं और दिल से सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब तक हमारे तुम्हारे बीच में ये दिल, ये हृदय, ये हाथ अगर सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, तभी तक हमारे अंदर एक उत्साह का वातावरण रहता है कि जरूर सुनेंगे, दिल की बातें दिल तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब हम मस्तिष्क से सुनते हैं वो बहुत ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, बोर हो जाता है, क्या है वही बातें बोलते रहते हैं। लेकिन जब हम सोचते कि नहीं, ये भगवान की वाणी सुनकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, ये जब अंदर एक विश्वास पैदा होता है तो फिर दिल से सुना जाता है। महाराज श्री भी तो बोलते हैं, ये दिल से सोचते हैं। ये जब दिल की बात आती है तो एक कनेक्टिविटी हमारे तुम्हारे बीच में एक हार्दिक संबंध बनता है। और ये संबंध जितना 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 ताजगी से जुड़ता चला जाता है, उतना ही हम आनंद में और मस्ती में सुनते चले जाते हैं। आचार्य हरिभद्र सूरी प्रस्तावे मितभाषित्वम, इसी विचार बिंदु पर हमने प्रवचन श्रृंखला भी चला रखी है और इसको कुछ समय और चला लूंगा, क्योंकि मन करता है कोशिश करें ऐसा पुरुषार्थ करें कि वाणी के संबंध में जितना भी हम गहराई से समझ सकें, जान सकें, उतना हमारे जीवन के लिए बड़ा लाभदायक रहने वाला। क्योंकि ये आपकी जो वाणी है इसका हमारी लाइफ के अंदर अगर हम कंक्लूजन निकालें तो 60% से भी ज्यादा इसी का खेल है सारा सारा।
पैसे का अपना खेल है, नौकरी जॉब का कमाने के तरीकों का अपना अपना खेल है, लेकिन उसके अंदर भी हम, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जीवन का कोई एक ऐसा हिस्सा हो जिससे इस वाणी का कनेक्शन ना हो, शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का, चाहे बोलने का, चाहे जीने का, यहां यहां से गुजरता है। क्योंकि ठीक है, आंखों का अपना रोल है, कानों का अपना रोल है, नाक का अपना रोल है, शरीर का अपना रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं जबान का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो प्रवेश करें उससे पहले एक गीत की पंक्तियां गुनगुना लेते अच्छा रहेगा। और जितना हम हृदय से महसूस करेंगे उतना हम हृदयंगम करते चले जाएं। पुरानी तर्ज है, बोल बड़े अच्छे लगे मुझे, सोचने लगा चलो सुनाते, जरा तोल के तो मीठे बोलो, कड़वे बोलने में कुछ भी ना सार है, मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है, जरा तोल के तो मीठे बोलो, कड़वे बोलने में कुछ नहीं सार है, मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है, जरा तोल के तो मीठे बोलो, सुई से कांटा फोरन निकलता, कुवचन न निकलता है, चाकू का घाव तो मिटता दवा से, यह तो हमेशा जलता है, होता वर्षों का पल में प्यार है, होता वर्षों का पल में प्यार है, जहां मैत्री थी वहां अब खार है, मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है, जरा तोल के तो मीठे बोलो, हो करके अंधा गुस्से में आदमी, चाहे तो आता पक जाता, खुलती है आंख तब दिल है रोता, लेकिन ना फिर कुछ हो सकता, मरे एक वचन से चार हैं। वो कहानी सुनी होगी ना, तो वही सती सावित्री है ना, जिसने मुसीबत के समय में तूने अपने पति को कुएं में धक्का दे दिया था, ये ताना मारा था, आपने सुनी होगी वो कहानी, मैंने जब सुनाई थी बीच में, याद होगा आपका, रिमाइंड हो जाएगा, मरे एक वचन से चार हैं, सारे घर का हो गया संहार है, मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है, जरा तोल के तो मीठे बोलो, मीठे वचन में न लगती है दमड़ी, कड़वे से हीरे नहीं मिलते, अमृत के बदले
फिर इस जबा से कह दो हला हल क्यों झरते, जीव रत्नों का भारी भंडार है, जीव रत्नों का भारी भंडार है, होठ दोनों ही पहरेदार है, मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है, जरा तोल के तो मीठे बोलो, कड़वे बोलने में कुछ भी ना सार है, मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है। और याद रखना, ये सुना है आपने, क्योंकि ये गीत आपको सब रिमाइंड करवा रहा है, इसलिए मैंने ये गीत आज चुना। जैसे मैं पलट रहा था पन्ना, तो ये गीत मेरे सामने आया और कहा कि जो मैं सुना सुना के आया हूं वो एक बार रिमाइंड कर देगा आपको। रिमाइंड करना जरूरी है, एहसास कराना भी चाहता हूं, रिमाइंड करवाना भी चाहता हूं। एक एक वचन से महाभारत हुए हैं, इतिहास साक्षी देते हैं, पढ़ के या सुन के धारण जो करते वो ही तो कुछ लाभ लेते हैं, सिख धन की बड़ी सुखकार है, माने माने तो बेड़ा पार है, मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है, जरा तोल के तो मीठे बोलो, जरा तोल के तो मीठे बोलो, कड़वे बोलने में कुछ भी ना सार है, मर जाता है एक दिन आदमी, नहीं जाती वचन की मार है। जो सोच के बोलता है, जो तोल के बोलता है, जो सोच समझ कर बोलता है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड को सामने रख करके बोलता है, जो सामने वाले दिल को महसूस करके बोलता है, वो कभी गलत नहीं बोलेगा। और मैंने देखा है, प्यार में आदमी बहुत सोच समझ के बोलता है और गुस्से में आदमी सोच समझ के नहीं बोलता है। इसका मतलब है प्यार हमें समझदार बनाता है और क्रोध हमें बेवकूफ बनाता है, क्योंकि क्रोध में है ना बस जल्दबाजी होती, मैं अपनी भड़ास निकाल लो, अरे भाई रुक जा जरा, निकाल ले भड़ास, लेकिन थोड़ा तरीका तो देख। मैं आपको कहता हूं कि भी कभी तुम्हें अगर कुछ गलत बात कहनी हो तो सही तरीके से भी कह सकते हो आप, कोई ऐसी कड़वी बात है उस तरीके को चेंज कर दो आप, आपकी बात भी कही जाएगी और बात का अंदाज भी चुभने वाला नहीं होगा। ये है कला। जैसे कहते हैं ना, हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आप ये क्योंकि वाणी कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम है, ये कम्युनिकेट करती है, ये एक दूसरे को जोड़ती है, यही तो है। जो अगर आप मेरे से जुड़े हो तो किसकी वजह से जुड़े, किसी की वजह से तो जुड़े हो। अगर मैं आपके सामने बैठा रहता, बोलता नहीं, तो आप कब तक देखते मुझे? अरे मुझे तो छोड़ो, खुद की घरवाली को भी कितनी देर तक देखते। वैसे बात है, कई बार कहते हैं कि तू बोलती नहीं तो बहुत अच्छी लगती है, पर लेकिन कभी कब कितनी देर तक देखोगे? तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं आपकी वाणी इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि सुनने वाले के कान वहीं लग जाए, क्योंकि जब तुम समय के अनुकूल बोलोगे और सामने वाले का सोच के बोलोगे, देखो अपनी भड़ास मत निकालिए इतनी, और हर बात को झटपट मत बोला करो, झटपट नहीं बोलना, पहले सामने वाले को सुन तो लो। कभी कभी तो हमें क्या रहता है कि
ये कुछ बोले इससे पहले मैं अपनी भड़ास निकाल लूं, क्या पता इसे मौका मिले ना मिले, ये मेरी बात सुने ना सुने, मैं निकाल ही लूं। निकाल लो भैया, हो सकता है, ये तो आप भी जानते हो। कहते हैं जीभ पर अगर चोट लग जाए ना वो जल्दी भर जाती है। जीभ पर सुनते जाओ, जीभ पर अगर कोई चोट लग जाए तो वो जल्दी भर जाती है, लेकिन जीभ से अगर किसी को चोट लग गई तो वो जल्दी से भरती नहीं है। रिश्ते वर्षों पुराने टूटने में देरी नहीं लगती, और जो रिश्तों को बचा के रखना चाहता है वो इसका महत्व जानता है, इसका महत्व जानता है, और जो इसका महत्व जानता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यक्तित्व बनकर के गूंजता है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो वाणी के 8 गुण पे चर्चा चल रही है, जिसमें 3 गुण कार्य पतितं, काम पड़े तो बोलो, ऐसे नहीं फट 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 फट, काम पड़े तो बोलो, जरूरी हो तो बोलो। गर्व रहिता, उछल कुदल उछल उछल के मत बोलो, कूद कूद के मत बोलो, अपने को हाईलाइट करते हुए मत बोलो, सामने वाले को भी सुन लो। घमंड में मत बोलो, ऊंचे बोल मत बोलो, आपकी जबान में जितनी विनम्रता होगी आपका कद उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा, और आपकी जबान में जितनी कड़वाहट होगी आपका कद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो तो भी छोटा होता चला जाएगा। यानी आप शरीर से कितने ऊंचे हो कितने छोटे ये महत्व नहीं रखता। एक छोटे कद वाला भी अगर तरीके से सलीके से बोलता है तो आपकी नजरों में उसका कद भी बड़ा हो जाता है, और कद चाहे किसी का भी बड़ा हो, खूबसूरत भी क्यों ना हो, लेकिन बोलने का लहजा अगर उसका अच्छा नहीं है, आपकी टोन अच्छी नहीं है, तो आपके व्यक्तित्व अप्रभावी दुष्प्रभावी, आपके प्रति नेगेटिव सोच पैदा हो जाएगी सामने वाले की। आप सामने वाले को कितना प्रभावित कर सकते हो, कितना नजदीक ला सकते हो, कितना दूर कर सकते हो, यह आपकी जबान का खेल। और अतुच्छम घटिया नहीं बोलना, जिंदगी में एक नियम बना लीजिए आप। मैं सच कहता हूं, कईयों को मेरी बात जस्ती नहीं है, पर लेकिन मैं कभी कभी ये जरूर कहता हूं कि भैया आपसे माला जाप कम होता है चलेगा, सामायिक संबर कम होती है चलेगा, कोई भी तपस्या नहीं होती बिल्कुल चलेगा, तुमसे बहुत ज्यादा दान पुण्य नहीं होता चलेगा, लेकिन कड़वा बोलना नहीं चलेगा। और सामने वाले को जब बोलो ना तो उसके आंखों में देख करके बोला करो, आंखों से आंखें इधर उधर करके नहीं बोलना। और देखिए बॉडी का भी एक पोर्शन होता है बोलने का, बात करने का एक तरीका होता है, आंखों में आंखें डाल के बोलो, और आपकी आंखों में वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सामने वाले को गौर से देखते हुए बोलते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि ये मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है, ये मेरे को बहुत प्यार से देख रहा है। जब भी हम आंख चुरा करके बोलेंगे या इधर उधर आंख करके बोलेंगे वो तारतम्यता नहीं बनती। सामने वाले की आंखों में झांक करके बोलिए, और जब तक आंखें बंधी रहेंगी ना, जब तक आप लोग मुझे देख रहे होते हो ना तो मुझे बोलने में मजा आता है, लेकिन कोई इधर देख रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर, मैं सोच रहा हूं यार मैं क्या करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ ही चेहरे हैं जो मेरे सामने रहते हैं और वो मुझे कम से कम ढंग से सुन रहे होते हैं, तो मेरे अंदर भी उत्साह आ जाता है। और कोई माथा पकड़ के यूं बैठा हो, कोई यूं कर रहा हो, और कोई इशारे कर रहा हो, तो मैं सोच रहा पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है,
सामने वाले को सम्मान दीजिए, और सच कहता हूं सामने वाले को सम्मान दीजिए, सामने वाले की बात दिल से सुनिए, वो आपकी भी बात दिल से सुनेगा। बस शब्दों में प्यार होना चाहिए, लफ्जों में जान होनी चाहिए। तो आपको याद हो मैं एक चर्चा कर रहा था कि चारों गतियों से आए हुए जीवों के कुछ लक्षण होते हैं, उसके व्यवहार को देखकर, उसकी लाइफ स्टाइल को देखकर के पता लग जाता कौन बंदा कहां से आया है। हम अपने आप को भी चेक कर सकते हैं, सामने वाले को भी चेक कर सकते हैं, और बजाय उसको टोंट मारने के हम अपने आप को वॉच करते हुए उस चीज से बच सकते हैं, उसके प्रति हमें करुणा और प्रेम भी आ सकता है, क्योंकि किसी चीज से हमें सबक मिल जाए। हाँ, गुरु महाराज ने एक बात कही थी, क्योंकि आपको ये बतला देता हूं, ये जो लक्षण है किसी गति से आए हुए जीव के, अगर इन्हीं लक्षणों को रिपीट भी अगर तुम करते ही रहोगे, उसमें कोई चेंज अगर नहीं करोगे, तो फिर उसी गति में जाने वाले हो आप, क्योंकि आपने कुछ मेंटेन नहीं किया, आपने कुछ उसका नया निर्माण नहीं किया। और ये एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन को अदल बदल सकता है कुछ, क्योंकि आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास विवेक भी है, आपके पास चेंज करने का आइडिया भी है, और क्षमता भी है, योग्यता भी है, ये सब चीज है आपके पास, ये किसी और चीज में नहीं है। देखिए देवता जो होता ना, देवता वो भगवान की वाणी को इतनी गहराई से समझता है, इतनी गहराई से समझता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, ये क्षमता उसके पास नहीं। भगवान जो भी बोलते हैं वो सब जानते हैं, भगवान ने क्या बोला है, उसकी गहराई क्या है, वो जानते हैं इस बात को, क्योंकि बुद्धि बल बहुत है उनके पास, लेकिन वो भगवान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते। भगवान ने जो त्याग का दिया है उपदेश, वो त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वो भोग भूमि है, उसे वो छोड़ नहीं सकते, आचरण नहीं में नहीं ला सकते। वो देखिए भगवान की स्तुतियां गा सकते हैं, भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन वो त्याग नहीं कर सकते। और इंसानी है जो पूजा भी कर सकता है और त्याग भी कर सकता है, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल भी सकता है, ये योग्यता है तो मनुष्य के पास है, यानी आपके पास है, आप केवल समझ ही नहीं सकते, उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, आप केवल सोच ही नहीं सकते, उसके अनुसार चल भी सकते हो, ये सामर्थ्य मनुष्य के पास है, ये त्रियंश के पास नहीं है, पशु योनि में नहीं है, नरक में नहीं है, देवगति में नहीं है, ये केवल मनुष्य गति के अंदर है, ये योग्यता है आपके पास। आप चाहो तो गिर भी सकते हो, आप चाहो तो उठ भी सकते हो, इतनी बड़ी पावर है। तो आपने कहा था, सुना होगा देवलोक से आए हुए जीव के चार लक्षण बतलाए थे, कि उदार चरित्र होता है, उसका कंठ बड़ा सुरीला होता है, धर्म का वो रागी होता है, और देव गुरु का भगत होता है, ये आपने सुन लिया था। और एक मैंने बताया था कि त्रियंश गति से आए हुए जीव के लक्षण होते हैं, जो त्रियंश योनि से आता है, पशु योनि से आता है, तो उसके लक्षण बताए, वो अनाड़ी होता है, अनाड़ी होता है, जल्दी कुछ समझ में आता ही नहीं, ऐसे हैं बहुत सारे, अनाड़ी होता है, असंतोषी होता है, दिल भरता ही नहीं उसका, कहीं वो अपने आप को रोकता ही नहीं, असंतोषी होता है, दुखी भी रहता है, अनाड़ीपन से भी दुखी रहता है, अपने असंतोष से भी वो दुखी रहता है, समझ नहीं पाते कभी, क्योंकि उसके लक्षण रहते हैं वहां पर, और उसे कभी कभी थोड़ी थोड़ी समझ में भी आती है, तो फिर अपनी उसी धर्रे पर आ जाता है, लेकिन हाँ वो चाहे तो कुछ कुछ उसमें कमी ला करके जीवन को संस्कारित कर सकता है। कपटी होता है, त्रियंश गति से आए हुए जीव, उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, खाता ही रहता है, खाने की तरफ ज्यादा सोचता है,
ये तो दो गति के आपने सुन लिए थे, मैं तीसरी गति का और चर्चा कर लेता हूं। मनुष्य गति से आए हुए जीव का क्या लक्षण है? देखो, मनुष्य मर करके भी मनुष्य बन सकता है, लगातार 7 जन्मों तक, लगातार फिर चेंज हो जाता है, लगातार 7 जन्म तक मनुष्य मर के मनुष्य बन सकता है। लेकिन कब बन सकता है? जब ये जो जिसकी वजह से मनुष्य गति से वो आया, और मनुष्य गति में भी आए हुए जीव के लक्षण बतला रहा हूं, अगर उसी को दोहरा देगा तो वो दोबारा फिर मनुष्य गति में जा सकता है। चेंज कब होता है मैं बतलाता हूं आपको, कि मनुष्य ही एक ऐसा है जो चारों गतियों में जा सकता है। भी 4 गति में जाता है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन मनुष्य के पास एक ऐसी भी योग्यता है जो 5वीं गति यानी मुक्ति में भी जा सकता है। तो 2 गति के जीव केवल 2 गति में जाते हैं। अब देखिए, मनुष्य जो देवता है वो मर के कभी देव योनि में नहीं जाता, देवता मर के कभी देवलोक में दोबारा जन्म नहीं लेता है, और ना ही देवता मर के कभी नरक गति में जाता है। ये देवता के पास इतनी बाउंड ये बंधन है उसके पास, और नारकी भी मर के कभी दोबारा नरक में जन्म नहीं लेता, उसी वक्त मतलब वही मरा वही नरक में पैदा हो ऐसा नहीं होगा, और नारकी ना मर के कभी देवलोक में जाता है। यानी नारकी की और देवता की केवल 2 ही गतियां हैं, 2 ही गतियां हैं। यानी देव गति से आया हुआ जीव या तो मनुष्य बनेगा या त्रियच बन सकता है, और देव गति नरक गति से आया हुआ जीव भी 2 ही गतियों में जाता है, या तो वो त्रियंच बनेगा या वो मनुष्य बनेगा। और त्रियंच गति का जीव मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच में भी जा सकता है, देवलोक में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है त्रियंच गति का जीव। लेकिन उसकी एक ये कमजोरी है कि वो मुक्ति में नहीं जा सकता, मुक्ति में नहीं जा सकता, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन मनुष्य के पास 4 गतियों के अलावा मुक्ति में जाने की योग्यता है, ये उसकी क्वालिटी है, मनुष्य की क्वालिटी। और इस क्वालिटी के ऊपर देवता मरता है, वो सोचता है कि चाहे मैं कुछ भी हूं लेकिन जो मनुष्य है वो मैं नहीं हो सकता। तो मनुष्य गति से आए हुए जीव के लक्षण बतला रहा हूं। सबसे पहला लक्षण वो विनीत होता है, विनीत, विनीत कहते हैं विनम्र, विनम्र यानी नम्र, विनय भाव, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, जो अकड़ता नहीं है जल्दी से, विनीत होता है वो, निर्लोभी होता है, लालची नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता, खुदगर्ज नहीं होता, निर्लोभी होता है, निस्वार्थी होता है वो, विनीत होता है, निर्लोभी होता है। और तीसरा लक्षण है दया धर्म का पक्षधर होता है, उसको दया दया करना बहुत अच्छा लगता है, करुणा करना, प्रेम बरसाना, क्योंकि अब ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, आप गौर करोगे तो। और चौथा लक्षण होता है सभी का प्यारा होता है, सभी को अच्छा लगता है वो, अधिकांश से अपने मिलने जुलने वाले। देखिए, अब जैसे मैं किसी 100 जनों से मिला, 100 जनों से मिला, और 100 जनों में से अगर 90 आदमी मुझे प्रेम करते तो मेरा परसेंटेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और मैं अगर 90% तक में अगर लोग मुझे प्रेम करते हैं तो ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। यूं तो भगवान महावीर तीर्थंकर होते हुए, इतने पुरुषोत्तम होते हुए, सारे तो उनको भी प्रेम नहीं करते थे, जबकि वो तो वीतरागी थे। हाँ, इतनी बड़ी बात है कि भगवान सबको प्रेम करते थे, वो बात अलग है कि भगवान को कोई ना कोई प्रेम नहीं करता था। वो कोई ना कोई पुराना वैर भाव हो सकता है, पुराना कोई हिसाब किताब हो सकता है, पुरानी कोई दुश्मनी, कोई अड़चन रह सकती है, पर लेकिन भगवान सबको प्रेम करते थे, ये उनकी विशेषता थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो मनुष्य गति से आए हुए जीव को अधिकांशतः बहुत प्यार करते हैं, ज्यादातर प्रेम करते हैं। कुछ विद्रोही भी होते, विरोधी भी होते, उनका कोई पुराना जन्म का हिसाब किताब बाकी रहता है, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। मनुष्य गति से आए हुए एक तो विनीत और निर्लोभी, दया धर्म का पक्षधर, और सभी का प्रिय होता है, सभी को प्यारा लगता है। ये 4 चीजें जहां मिलती हैं तो हमें पता लग जाता है मैं किस गति से आया हूं। और मैं दूसरी बात और कर रहा हूं, इन गुणों को अगर वो बरकरार रखता है
बरकरार रखता है तो दोबारा फिर मनुष्य गति में जा सकता है, दोबारा मनुष्य फिर बन सकता है। तो हमें सोचना है कि जीवन के अंदर मुझे विनीत, और विनीत हर तरह से, वाणी से भी होता है, व्यवहार से भी होता है, निर्लोभी विचारों से भी होता है और वाणी से भी होता है, क्योंकि उसके शब्दों के अंदर कहीं लालच नहीं टपकता है, और दया धर्म का पक्ष उसकी वाणी में करुणा झलकती है, प्रेम झलकता है, और उसके उसकी वाणी में कहीं ना कहीं मैं सबको मिला करके चलो, सबको बना करके चलो, किसी को बिछड़ने ना दो, किसी को लड़ने ना दो, किसी को लड़ाओ नहीं, ये जब भाव आते हैं ये दया धर्म का पक्षधर है। यानी जो दया धर्म समझ लिए, मैत्री भाव समझ लीजिए, जो जोड़ना चाहता है, जोड़ने के भाव रखता है, वो समझो कितना गजब का बंदा होगा, क्योंकि ये गुण उसमें पाएगा जो निर्लोभी होगा, ये गुण उसमें पाएंगे जो विनीत होगा। इसलिए आप चेक करते रहा करो, अगर ये चीजें अगर आप बरकरार रख पाए इन गुणों को, क्योंकि सभी का प्रिय बनेगा वो बनेगा, क्योंकि मैं अगर किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं तो कोई जल्दी से मेरा बुरा करने वाला नहीं, ये पक्की बात है। मैंने अगर किसी के लिए गलत ख्याल नहीं है तो कोई मेरा बुरा, मेरे लिए गलत ख्याल नहीं रखने वाला है। अगर कोई रख रहा है फिर हमें यह समझना चाहिए कि किसी ना किसी जन्म में मेरे से गलती हुई है, ये उसको नहीं बोलना, उसको नहीं बोलना जो मेरे साथ गलत कर रहा है। हमें ये सोचना चाहिए जरूर किसी ना किसी जन्म में मेरे से गलती हुई है, मैंने इसके साथ कोई बुरा व्यवहार किया है तो ये मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है, ये मैं हूं इसकी वजह, मैं ही हूं इसका कारण, वो नहीं है, सामने वाला कारण नहीं है। जब हम ये सोचते हैं तो आप बड़े आनंद में रहने वाले। हाँ, और मुझको एक चीज बड़ी समझ में आती है, वो आदमी इस दुनिया में कभी दुखी नहीं रहता, कौन सा, देखो जिसकी कथनी और करनी एक होती है, आपका आपकी क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी जी, सच कह रहा हूं, क्योंकि ये जो शब्द बोला मैंने, जिसकी कथनी और करनी एक है, किसी अशुभ कर्म की वजह से कोई उसका दुश्मन भी है तो भी इस चीज को मानता कि बंदा खरा है, भैया ठीक है मेरे विचार नहीं मिलते, लेकिन वो बंदा है जवान का बड़ा पक्का, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और मैं आप लोगों को यही जरूर कहना चाहता हूं, और कुछ करो या ना करो, लेकिन अपनी कथनी और करनी को कोशिश करो समान बनाने, या तो बोलो ही मत, और बोल दिया तो फिर जवान के पक्के रहो। मैं ये नहीं कहता कि तुम बोलते चले जाओ, मैं बोला बोलो उतना जितना तुम पूरा कर सको, ज्यादा काहे को बोलने का, ज्यादा क्यों बोलने का, उतना बोलो जितना कर सको, और जितना बोला उतना जरूर करो, करने के भाव रखो, ठीक है ना कर पाओ बात अलग है, मजबूरी, लेकिन अपनी ओर से प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़नी है, नहीं, ये आपके व्यक्तित्व को आकर्षक भी बनाता है और विश्वसनीय भी बनाता है, और समाज में आपको प्रतिष्ठित भी बनाता है, और परिवार में विश्वास के योग्य बनाता है, और समाज में प्रतिष्ठा दिलवाता है। अगर आपकी जबान कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, बस जब तक आपका पुण्य है तब तक तो दुनिया आपके साथ है, लेकिन जिस दिन पुण्य ने दगा दे दिया फिर कोई आपका भरोसा करने वाला नहीं, क्योंकि आपसे जो भी कुछ गलतियां हैं उन गलतियों के ऊपर धूल अगर कोई डाल के रखता है तो आपकी पुनवानी रखती है, किसी को भ्रम में रखती है, किसी यानी आपके अंदर की गंदगी को दूसरा देखाता देख दूसरा ना देख पाए, इसमें आपकी महारत नहीं है, इसमें आपकी पुनवानी काम कर रही है, पुण्य का दौर चल रहा है, आपकी गलत बातें भी छुप जाती है, ये आपकी पुनवानी का दौर चल रहा है, ये आपकी पुनवानी है कि तुम अंदर से गलत हो लेकिन फिर भी आपकी आपको सही माना जा रहा है, तो ये पुनवानी का दौर है, लेकिन जिस दिन पुनवानी हट जाएगी उस दिन सब कुछ बाहर आ जाएगा। और लेकिन एक चीज है, अगर आपकी कथनी और करनी एक है
बुरा वक्त भी अगर आ जाएगा ना तो भी आपको प्रेम करने वाले मिलेंगे, तो भी मैंने कहा ना दुश्मन भी आपकी प्रतिष्ठा करेगा। एक बार हुआ राजा भोज, अब मैं एक इतिहास की कहानी सुना रहा हूं आपको। राजा भोज का आपने नाम सुना होगा। राजा भोज तकरीबन 1100 या 1000 साल पहले हुए हैं और वो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, यानी 1000 साल पहले 1100 साल पहले इस भारत में संस्कृत भाषा बोलने का एक रिवाज था, बोलने का एक अभ्यास किया जाता था और संस्कृत को देव भाषा का सम्मान मिला हुआ था। तो खुद विद्वान थे राजा भोज, संस्कृत के महापंडित थे वो, तो जो जैसा होता है तो वो उन्हीं तरह के लोगों में भी रहता है। आपने कवि कालिदास का भी नाम सुना होगा। तो कवि कालिदास राजा भोज की सभा का एक हीरा था, एक रतन था। तो कालिदास के समय, राजा भोज के समय, ये वो समय है जब आचार्य मानतुंग हुए। आचार्य मानतुंग कौन? जिन्होंने भक्तामृत स्तोत्र की रचना की। तो आचार्य मानतुंग के एक श्रावक थे, एक जैन श्रावक थे जो उनको मानते थे, अपना गुरु मानते थे वो। तो उसे, और वो कवि भी था, उस श्रावक का नाम था कवि धनंजय, धनंजय उनका नाम था। और वो कवि इतना जबरदस्त थे, कालिदास के टक्कर के कवि थे, लेकिन नाम उसी का होता जिसकी सत्ता होती है। ये तो आप भी मानोगे, नाम उसी का होता है जिसकी सत्ता होती है। तो कवि कालिदास ज्यादा प्रसिद्ध हो गए अपनी कृतियों की वजह से, कृतियां तो उनकी भी थी कवि धनंजय की, लेकिन वो कहीं ना कहीं वही सांप्रदायिकता की वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रतिभा भी छुप जाती है और जिसका वर्चस्व रहता है वो उभर आता है। और ये शुरू से चलता हुआ आता ही रहा है, इसे हम कोई रोक नहीं पाते। तो धनंजय राजा भोज ने, सारे विद्वान उनकी सभा में बैठे हुए थे, तो विद्वानों से वो हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी विषय पर चर्चा जरूर करते थे। यानी एक सवाल राजा भोज रखता था और उस सवाल का जवाब वो 9-10 जो विद्वान थे उन सबसे लिया करते थे और फिर कंक्लूजन तक निकल, फिर निष्कर्ष तक पहुंचते थे वो, उसके सार तक पहुंच जाते थे। क्योंकि कोई भी बात अगर 9-10 विद्वानों के द्वारा निकल करके आती है तो उसका कोई ना कोई मायने बड़ा जबरदस्त निकलता था, और है भी बात सही है, क्योंकि हर बात के बारे में हर इंसान की अपनी समझ है और हर बात को कहने का अंदाज हर इंसान का अपना अपना है, पर्सनल है। कोई उसी बात को दूसरे अंदाज से कह रहा, कोई दूसरा उस बात को अपने अंदाज से कह रहा है, अपनी अपनी समझ के अनुसार बोलता है। तो राजा भोज ने कहा, भाई ये बताओ, वो दो चीज बताओ आपस में, उन दो चीजों के बारे में बताओ जिन चीजों के बीच में दूरियां होती हैं, दूरियां डिस्टेंस होता है। तो राजा भोज ने अपने एक विद्वान के ऊपर नजर दौड़ाई, तो जिस पर नजर टिक जाती थी उसको जवाब देना पड़ता था। यानी जैसे आप मेरे सामने बैठे हो 9-10 जने, मैंने जिसकी तरफ देखा तो, क्योंकि मैंने कहा कि इसका जवाब देना है, और देखते ही उस विद्वान की तरफ आंख उठा करके देखा तो जवाब उसको ही देना था ना, तो एकदम खड़ा हो गया कि मेरे हिसाब से जमीन और आसमान के बीच में जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। अब बोलना तो था ही, जवाब तो देना ही था, और बात भी वजनदार कहनी थी, और वो दूरी नजर आए ये बताना भी था उसको।
राजा भोज ने कहा, क्या कहा आपने? कि जमीन में और आसमान में जो दूरी है ना, ये बहुत बड़ी दूरी है। ओके ठीक। तो फिर दूसरे विद्वान की तरफ नजर गई, कहा कि भाई इन्होंने जो बोला है तुम कुछ इसमें सुधार कर सकते हो, यानी कुछ और बता सकते हो? तो दूसरे विद्वान ने कहा कि मेरे हिसाब से जमीन और आसमान से भी ज्यादा दूरी अगर किसी में है तो पाताल और आकाश के बीच में है। क्या बोला? पाताल और आकाश, क्योंकि पहले वाले विद्वान ने जमीन और आसमान को जोड़ा था, तो दूसरे विद्वान ने पाताल यानी धरती के नीचे तक चला गया, वो धरती के नीचे चला गया, फिर आकाश को जोड़ा, जमीन आसमान की जगह पाताल और आकाश कर दिया उसने। कि ये हमारा जो विद्वान है इसने जमीन को तो देखा लेकिन जमीन के नीचे नहीं गया। हाँ, नीचे भी तो है, वो भी तो एक पाताल लोक है। ओ राइट, बिल्कुल सही कहा, हम सहमत हैं तुमसे। चलो यार, मेरी तो समस्या खत्म हुई। लेकिन राजा भोज कहां संतुष्ट होने वाले थे। तो तीसरे विद्वान की तरफ नजर उठी, तीसरे विद्वान ने कहा कि एक दूरी और है, बोलो, कि स्वर्ग और नरक। अब उसने आकाश को भी गिन डाला, यानी देखिए कहां कहां पॉसिबिलिटी है, कहां कहां संभावनाएं रहती है। और ये पता कब चलता है? जब हम पूछते हैं। तो कहा कि स्वर्ग और नरक, इनके बीच में जो दूरियां हैं ये सबसे बड़ी दूरी। राजा भोज ने कहा एक बात तो है भजन, बात तो ठीक कह रहा है, क्योंकि उसने जमीन आसमान कहा, उसने पाताल आकाश कहा, और तीसरे विद्वान ने कहा स्वर्ग और नरक, नरक और स्वर्ग के बीच में जो दूरियां है, और देखा जाए तो हम ये चारों की चारों गतियां जो है ना, ये स्वर्ग और नरक के बीच में ही तो घूम रही है। ये तो आप ही मानोगे ना, यही तो दूरियां दूरियां हैं जिनमें हम कभी वहां कभी वहां कभी वहां। तो राजा भोज ने सोचा भाई अब इसके आगे तो कोई दूरी हो ही नहीं सकती। तो राजा भोज बोले कि इस तीसरे विद्वान की बात को लॉक कर दिया जाए, यानी अब इसके आगे कोई बात नहीं है। तब कवि धनंजय, जो आचार्य मानतुंग के श्रावक थे और कवि थे, संस्कृत के वो भी बड़े विद्वान थे, वो एकदम खड़े हो गए, कहा कि रुकिए जरा, एक दूरी ऐसी है जो जमीन और आसमान से भी ज्यादा है, एक दूरी ऐसी है जो आकाश और पाताल से भी ज्यादा है, एक दूरी ऐसी है जो स्वर्ग और नरक से भी ज्यादा है। राजा असमंजस में पड़ गया कि सारी चीज तो, क्योंकि राजा चल रहा है हिसाब से, राजा ने हिसाब लगा लिया कि भाई स्वर्ग और नरक से ज्यादा क्या दूरी हो सकती है। पर लेकिन जब कवि धनंजय ने कहा तो वो जानते थे, उसके गुरु को भी जानते थे, उस गुरु की गहराई को जानते थे। ये जरूर कोई ना कोई नई बात कहेगा। हाँ कहो, बोलिए। कहा कि मेरे हिसाब से जमीन आसमान से आकाश पाताल से स्वर्ग और नरक के से बीच में जो दूरियां हैं उनसे भी अगर कोई ज्यादा दूरी है तो मेरे हिसाब से कथनी और करनी के बीच में जो दूरी होती है वो सबसे ज्यादा दूरी है। ए, क्या बोला? हाँ, कथनी यानी कहना और करनी, उसमें अंतर, आदमी जो कहे वो ना करे, याद कर रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? आदमी जो कहे वो ना करे तो उससे जो तुम्हारी दूरियां होती है ना, उस कवि धनंजय ने बिल्कुल प्रैक्टिकल कहा, बिल्कुल प्रैक्टिकल कहा, क्योंकि हम किससे दूर होते हैं? हम उनसे दूर हो जाते हैं जो कहता कुछ है और करता कुछ है। जिस पर हम भरोसा नहीं करते वो हमसे दूर है और हम उससे दूर हैं। और ये दूरी सबसे बड़ी दूरी होती है,
कभी धनंजय की बात सुनकर के राजा भोज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और गले का हार निकाला, उसके गले में डाल दिया। वाह वाह, मान गए धनंजय। अब पता चला कि गुरु की भी कितनी बड़ी भूमिका रहती है, कौन किसके पास रहता है और कौन किससे क्या सीखता है। धनंजय, तुमने वास्तव में मेरे जमीर को हिला करके रख दिया है और तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। जमीन आसमान के बीच में इतनी दूरी नहीं है, आकाश पताल के बीच में इतनी दूरी नहीं है, स्वर्ग और नरक के बीच में भी इतनी दूरी नहीं है जितनी दूरी कथनी और करनी के बीच में होती है, कहने और करने के बीच में होती। हाँ, और बताऊं आपको, भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? यही है भ्रष्टाचार। हाँ, दिखाई कुछ दे हो कुछ, लेबल कुछ अंदर कुछ, और इसी के आधार पर इंसान ने अपनी अहमियत को खोया है, अपनी कीमत गवाई है, विश्वास को खोया है इसी के आधार पर। हम संतों ने भी अपना विश्वास खोया है केवल इसी के आधार पर, श्रावकों ने भी कहीं ना कहीं अपनी कीमत को खोया है इसी आधार पर, रिश्तों में भी अगर कहीं गिरावट आती है, कमजोरी आती है तो इसी के आधार पर आती है। और मैंने तो एक जगह पढ़ा है कि जब तुम बहुत ज्यादा प्रेम में होते हो ना, तो उस समय कहते हैं कोई वादा नहीं करना चाहिए ना। जब बहुत ज्यादा प्रेम में होते हो तो वादा नहीं करना चाहिए, और जब बहुत क्रोध में होते तो कोई इरादा नहीं बनाना चाहिए। क्रोध में इरादा नहीं बनाना और प्रेम में वादा नहीं करना, क्योंकि कभी कभी बोल जाते तो वो बोल जाते हो, मुझे भी हंसी आ जाती। जब तुम मालूम है जब बहुत प्यार, अरे तू कहे तो हम आसमान से चांद तोड़ के लाते हैं, दो बिलान तो कूदा नहीं जाता, आसमान से चांद लाओगे आप? वाह भाई वाह, पर कमाल कर देते हो कभी। क्योंकि तो तुम कहो तो हम सितारे तोड़ दे, तुम कहो तो हम वो ला दे, और तुम कहो तो हम ऊपर से कूद जाए, हम मर जाए। अरे यार रुक जरा, तुम कहते ना ये वाला ना, जब कोई ज्यादा फेंक रहा होता है तो तुम क्या इशारा करते हो? भैया जरा लपेटने पड़ रही है। जब बात लपेटनी मुश्किल हो जाए तो समझो बंदा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। जरा रुको भैया, इतना काहे को बोल रहे हो? जरा सोचो मैं क्या कर सकता हूं। अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी योग्यता को पहचानिए, उसके बाद बोलिए। अब हुआ एक बार, क्योंकि आदमी कभी कभी कहता कुछ और करता कुछ। मुझे इसके ऊपर एक चुटकुला याद आ गया, चुटकुला सुनाओगे तो तुम भी हंस लोगे थोड़ा सा, है ना, और हंस लोगे तो थोड़ा पेट में जो कुछ गया हुआ है वो थोड़ा उछल जाएगा, उछल जाएगा तो कुछ पच जाएगा, बातें भी हजम ही, बातें ही नहीं हजम होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि प्रवचन सुनते सुनते तुम इतने हंस लो कि भोजन भी हजम हो जाए। भोजन भी हजम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तो हम सोच रहे हैं कि जरूर आप लोगों से मेरा निवेदन है कि खा पी करके सुना करो, कम से कम या तो नींद आएगी या हजम हो जाएगा भोजन, क्योंकि कुछ सुनोगे बातें हजम होनी शुरू हो जाएंगी तो भोजन भी हजम हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार कहते हैं कि एक बार वसंती लाल एक पंडित जी प्रवचन दे रहे थे, और पंडित जी जबरदस्त प्रवचन दे रहे थे। मालूम है टॉपिक भी क्या था? टॉपिक ये था कि भैया किसी को भी किसी के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, कोई बात कर रहा तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, कोई कुछ कह रहा हो तो बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और इसके ऊपर वो इतना जबरदस्त बोले, हम भी क्या बोलेंगे। पंडित जी ने साबित कर दिया, जब दो आदमी बात कर रहे हो या किसी
के बीच में हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो पंडित जी की बात से प्रभावित होकर के मुल्ला नसरुद्दीन उनके पास गए, कहा पंडित जी मजा आ गया आज। हाँ क्या मजा आया? मजा आया जी, कमाल कर दिया आपने, और इतना मजा आया कि मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी तुम्हें कुछ सुनाऊं। और ये एक अंदाज होता है, अपनी बात कहने के लिए पहले सामने वाले को प्रशंसा करनी पड़ती है। पंडित जी बोला बोलो क्या सुनाना चाहते हो, लेकिन आपकी बात सुनकर के ना मेरा मन कर रहा है मैं भी कुछ सुनाऊं। सुनाओ। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक चौधरी और एक चौधरन, समझ रहे हो ना, जाट और जाटनी, एक चौधरी और एक चौधरन, चौधरी अपनी चौधरन को साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठा करके जा रहा था। पहले साइकिल के ऊपर बैठा करके, कभी पीछे तो कभी आगे। तो जैसे चौधरी साहब जा रहे थे तो रास्ते में गड्ढा पड़ा, तो वो चौधरन बोली गड्ढा गड्ढा। मूड खराब हो गया चौधरी का, एक तरफ साइकिल खड़ी करी, एक मारा थप्पड़ खिंचा के। काहे को मारा? अरे जब मैं साइकिल चला रहा हूं तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ये बीच में अच्छी बात नहीं बोलने की, मुझे भी तो दिखाई दे रहा है। अब बिचारी क्या करती, चुप हो गई। तो पंडित जी बोले बाप भाई बाप मजा आ गया, ये तो बहुत गजब की बात है। तो उसने कहा सबसे बात शुरू करने से मेरे चुटकुले के ना चार भाग है, चार पार्ट है, तो पहला पार्ट ये है। तो पंडित जी ने कहा दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट ये था कि चौधरी का हो गया दिमाग खराब, वापिस अपने घर में आ गया, साइकिल कर दी खड़ी, और चौधरन को भी गुस्सा था कि बोल कुछ सकती नहीं थी क्योंकि उसने बीच में टोका था। पर लेकिन उधर उसने क्या किया, पहले स्टोव हुआ करते थे, स्टोव स्टोव में हवा भर रही थी और गुस्सा में तो था, दबा दब दबा दब भरे जा रही स्टोव पे हवा, हवा मतलब चाय बना रही थी, स्टोव पे पानी चढ़ा दिया और हवा भरे जा रही, तो वो दबा दब भरे जा रही थी। तो चौधरी बोला देख इतनी हवा ना भर, कभी कभी ये स्टोव फट जाए, बस यही तो सुनना था। क्योंकि चौधरी ने जब कहा था भाई साइकिल मैं चला रहा हूं या तू चला रही है, जो तू इतना मेरे आगे बोल रही गड्ढा गड्ढा, तो बस इतना सुनना था कि चौधरी ने कहा चौधरन जरा हवा कम भर कहीं फट ना जाए। एकदम मारा लठ खिंचा के उसकी कमर में, बोला चाय मैं बना रही थी या तू बना रहा है, तुझे बीच में बोलने की जरूरत क्या थी। वो इतना सुनते ही और कमर में लगी, उसने तो एक थप्पड़ी मारा था, उसने तो एक पूरी लकड़ी ठोक दी कमर में। और पंडित जी एकदम गुस्सा, बिल्कुल नहले में दहला मारा मिया आपने तो। सुनो तो सही पंडित जी, इसका इस चुटकले का चौथा भाग तो सुनो। इतना सुनते ही पंडित जी बोले ए मिया वो तीसरा भाग सुना ना। पंडित जी के मुंह पे थप्पड़ मार के कहा चुटकला मैं सुना रहा हूं या तू सुना रहा है ये बता। नहीं? ये बीच में मैंने पहले कहा था भाई, क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, हम बोल तो देते तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए, जब हम खुद ऐसा करते, मतलब अभी अभी समझा रहा था, अभी कह रहा था, लेकिन हम कहते कहते अपनी बात को भूल जाते हैं। तो इसलिए कहता हूं कि प्लीज जीवन के अंदर इस चीज को जरूर ध्यान रखना, जितना बोलो उतना करके दिखाओ, जितना कर सको उतना बोलो, जितना कर सको उतना बोलो, ज्यादा नहीं बोलना। अगर आप ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, आपके जीवन व्यवस्थित रहेगा, तो आप समझे मनुष्य गति से आए हुए जीव के चार लक्षण विनीत निर्लोभी
दया धर्म का पक्षधर और सभी का प्रिय, ये उसका एक गुण होता है। और समय आपका हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे और कल गति का तो वर्णन पूरा हो जाएगा और वाणी का चौथा, वाणी के गुण का जो चौथा भाग है या चौथा लक्षण है उस पर चर्चा, क्योंकि अतुच्छम के ऊपर बहुत ज्यादा तक चले हैं हम, बहुत देर तक इसकी व्याख्या की है। कल हम दूसरे गुण के ऊपर चलेंगे कि वाणी का चौथा गुण कौन सा बतलाया है, लेकिन ये पहले सुन लेंगे कि नरक से आए हुए जीव की कैसी मेंटेलिटी होती है, कैसी मानसिकता रहती है, कैसा उसका व्यवहार रहता है, कैसी उसकी जबान होती है, कैसा उसका मतलब लाइफ स्टाइल रहता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन पिछली गति से भी जुड़ा है, अगली गति से भी जुड़ा है। मैं तो यही कहता हूं कि हम जो, हम और तुम जो भी हैं, हम बीच में हैं, वर्तमान में हैं, ये हमारा जीवन बतला देता है कि हम कहां से आए हैं, और ये जीवन ही हमें बतला देता है हम कहां जाने वाले हैं। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर आपने इस जीवन को नहीं संभाला, यही एक मौका है आपके पास, क्योंकि ये मौका ना पशु के पास है, ना नारकी के पास है, ना देवता के पास है, ये मौका केवल आपके पास है, ये केवल एक मनुष्य के पास है मौका। तो आप चाहो घाटे का सौदा करो, चाहे तुम फायदे का सौदा करो, और ये आप ही कर सकते हो, और ये विशेषता मनुष्य के अंदर मिली हुई है। आज इतना ही। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली।